हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। एनगेज ने रिसेंटली 5-6 परफ्यूम्स लॉन्च किया है। उनमें से 3 परफ्यूम्स का आज हम रिव्यू करेंगे। उनमें से एक है इंडिगो स्काइज, दूसरा है आपका एम्बर ह्यूज और तीसरा है आपका वन सोल। इन तीनों परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे, क्वालिटी कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है और किस परफ्यूम्स से इन परफ्यूम्स का इंस्पिरेशन लिया गया है। और दोस्तों, बियर्डो के परफ्यूम्स का जो रिव्यू था वहाँ पे मैंने गिव अवे अनाउंस किया था, आज उसका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों हमारे पहले परफ्यूम के बारे में, जो कि एनगेज की तरफ से वन सोल। बोटल का डिजाइन काफी अच्छा लगा है मुझे। आपको कैसा लगा इसका डिजाइन आप भी बताइएगा। ये है बॉक्स, काफी एक टेक्सचर्ड यहाँ पे फील आपको मिलेगा, साथ में एक चिंटू पिट्टू सा जो सिंपल है फ्री टेस्टर वायल यहाँ पे लिखा है, तो ये आपको मिल जाता है। एक बार आपको दिखा देता हूँ, छोटा सा टेस्टर दिया गया है, ये आप ट्रेवल के दौरान इसको ले जा सकते हैं इजिली। तो पैकेजिंग में दोस्तों मेरा कोई भी कॉम्प्लेन नहीं है, काफ़ी अच्छा पैकेजिंग दिया है प्राइस रेंज के हिसाब से। लेकिन एक रिकमेंडेशन ज़रूर दूंगा एनगेज को कि भाई जो परफ्यूम के नोट्स है वो कहीं पे भी लिस्टेड नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारा खाली जगह है, यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो लोगों को काफ़ी हेल्प होगा। बात करते हैं दोस्तों इसके सन प्रोफाइल के बारे में। बिल्कुल ही फ्रेश, रिफ्रेशिंग, सिट्रसी और हल्का सा एक सोपी फ्लेवर मिलेगा इस परफ्यूम में। जो ओपनिंग के नोट्स है वहाँ पे आपको सीडरवुड, जो एक पाइन का नोट होता है, देवदार का नोट होता है, वो आपको मिलता है। ग्रीन रिफ्रेशिंग टाइप ऑफ नोट आपको मिलेगा ओपनिंग में। और जो ड्राई डाउन है दोस्तों, जो प्रॉपर नोट है इसका, जो प्रोमिनेंट नोट है, सबसे ज़्यादा जो नोट मिलता है वो है इलीमी का नोट। एक सोपीनेस देता है आपको, हल्का सा एक लेमनी वाइब देता है और वुडी वाइब देता है ड्राई डाउन में। तो यही है इसका सेंट प्रोफाइल दोस्तों। और जो मुझे लगा है दोस्तों, ये जो परफ्यूम है ये समर के लिए बढ़िया होगा, डे टाइम वेयर के लिए बिल्कुल ही बढ़िया होगा। फॉर मैन है तो यहाँ पे जो लिखा गया है कि ये यूनिसेक्स एनी टाइम वेयर टाइप ऑफ परफ्यूम है, ये थोड़ा मिसलीडिंग लगा है मुझे। बिल्कुल ही मेल टाइप ऑफ परफ्यूम है, मैस्कुलिन टाइप ऑफ परफ्यूम है। और जो समर है या फिर डे टाइम है वहाँ पे आप वेयर कर सकते हैं, इवनिंग में, नाइट टाइम में मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा, विंटर में भी मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। और ये जो वन सोल है दोस्तों, ये काफ़ी क्लोज है विद अजमल का एक परफ्यूम आता है जील, इससे ऑलमोस्ट 80% क्लोज है। जो 20% का डिफरेंस है वो आपको ड्राई डाउन में महसूस होगा। इसमें जो सोपी वाइब है वो ज़्यादा है, इसमें जो सोपीनेस है वो कम है, आपको पेपर वुडी वाइब जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। और दोनों ही परफ्यूम्स इंस्पायर्ड है दोस्तों डियोर सवाज ईडीटी से। ऐसा लगता है डियोर सवाज ईडीटी के साथ हल्का सा आपको एक डियोर होम स्पोर्ट का जो वाइब है वो मिलता है एनगेज वन सोल में। इसके परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें दोस्तों, तीनों परफ्यूम्स के जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये फ्रेश कैटेगरी में पड़ता है, हल्का सा कम परफॉर्मेंस आपको मिलेगा बाकी दोनों से। ऑलमोस्ट 4 आवर्स का लॉन्जिटी मुझे मिला है। जो प्रोजेक्शन है वो आपको 2 फीट तक मिलेगा, 1 आवर तक ये प्रोजेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं हमारे अगले परफ्यूम के बारे में, इंडिगो स्काइज। तो ये है इसका बॉर्डर, सिमिलर बॉर्डर में आता है। जो बॉक्स है ये है इसका बॉक्स, 100 ml का बॉक्स। यहाँ पे आपको प्राइस मिल जाएगा 599 rupees। मैंने ये अमेजोन से ख़रीदा है 349 rupees का, तो आपको यही प्राइस मिलेगा। ऑफर में शायद और भी कम मिल सकता है आपको, तो प्राइस बाय क्वालिटी वाइज प्राइस रेशियो देखें तो भाई बढ़िया है। और दोस्तों इससे सन प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो इसमें आपको फ्रेश एरोमेटिक टाइप ऑफ नोट्स मिलता है दोस्तों। तो ये जो परफ्यूम है ये आप कभी भी पहन सकते हैं, कोई भी मैन वोमेन बोथ पहन सकते हैं इस परफ्यूम को। तो ये होना चाहिए था आपका यूनिसेक्स एनी टाइम ऑफ परफ्यूम, लेकिन यहाँ पे दिया गया है मैन डे। तो ये जो गलतियाँ दोस्तों, ये मैंने अक्सर देखा है, जो हमारे इंडियन ब्रांड्स है ये हमेशा करते हैं ऐसे गलतियाँ। इसके नोट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, ओपनिंग में मिलता है आपको हल्का सा एक सिट्रसी नोट, जो मिड है वहाँ पे आप जाके आपको क्रीमी लेवेंडर का जो नोट है वो आपको मिलता है, साथ में एक फ्रूटी वाइब जो है वो आपको मिलता है। और जो ड्राई डाउन है वहाँ पे आपको सोपी वाटीवर के साथ हल्का सा आपको एक वुडी वाइब मिलता है। बिल्कुल ही एरोमेटिक टाइप ऑफ परफ्यूम है। और ये जो परफ्यूम है दोस्तों, ये अगर आपने फ्रेश 1965 ओरिजिन परफ्यूम यूज़ किया है सलमान खान का, तो ये दोनों परफ्यूम्स आपस में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। और दोनों ही परफ्यूम्स जो DNGK है दोस्तों, इससे इंस्पिरेशन लिया गया है दोनों ही परफ्यूम्स का। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें दोस्तों, इंडिगो स्काइज में आपको वन सोल जो है इससे बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। लॉन्जिविटी 1 घंटा ज़्यादा आपको मिलेगा। जो प्रोजेक्शन है वो थोड़ा बेटर मिलेगा दोस्तों, एरोमेटिक टाइप ऑफ परफ्यूम है तो प्रोजेक्ट थोड़ा ज़्यादा करता है। और दोस्तों ये मैं रिकमेंड करूँगा समर के इवनिंग्स के लिए, और जो डे नाइट्स है वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे विंटर है वहाँ पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
बात करते हैं दोस्तों हमारे आखिरी परफ्यूम के बारे में एनगेज की तरफ से एम्बर ह्यूज। तो ये है इसका प्रेजेंटेशन, जो इसका कलर काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। सिमिलर कलर में बॉक्स आता है, 100ml का बॉक्स है, साइड में चिंटू मिंटू सा सैंपल जो है वो सभी बॉक्स के साथ मुझे मिल गया था। तो ये है इसका जो प्राइस वो। और दोस्तों इसके सैंपल फाइल की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलेगा, वैसे तो नाम है एम्बर ह्यूज लेकिन इसमें आपको पाउडरी नोट्स मिलेंगे। एम्बर का जो एक वार्म फील होता है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। एक क्लीन, एक फ्लोरल, एक जो पाउडरी नोट्स होते हैं वो आपको मिलता है इस परफ्यूम में। जो ओपनिंग है वहाँ पर आपको एक जो ऑरेंजी नोट होता है, एक मैंडरिन ऑरेंज का, वो आपको मिलता है। हल्का सा सिट्रसी नोट जो है वो भी मिलता है लेकिन बिल्कुल ही हल्का सा। इसके बाद ये जो वाइट फ्लोरल्स के नोट होते हैं, साथ में आपको पाउडरी लेवेंडर का जो नोट होता है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जो ड्राई डाउन है वहाँ पे आपको सिंथेटिक सैंडलवुड का जो नोट होता है, एक पाउडरीनेस जो होता है वो आपको मिलता है दोस्तों इस परफ्यूम में। यहाँ पे आपको एम्बरी जो फील होता है वो उतना नहीं मिलता है, हल्का सा एक वेनिला का जो टच है वो मिलता है इस परफ्यूम में। तो यहाँ पे दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन है परफ्यूम का वो करेक्ट बिल्कुल ही दिया गया है, मैन नाइट। मैं भी रिकमेंड करूँगा आप इसको इवनिंग वेयर या फिर नाइट वेयर के टाइम पहने, विंटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो सनप्रोवाइल है दोस्तों ये जेंटलमैन क्लासिक जो परफ्यूम है, जो पाउडरीनेस है वो काफ़ी सिमिलर लगता है मुझे जेंटलमैन क्लासिक से, लेकिन ओपनिंग में थोड़ा डिफरेंट फील होगा आपको। हल्का सा वेनिला का जो नोट है वो भी इस परफ्यूम में प्रेजेंट है। तो समर के जो हाई हीट वाला गर्मी है वहाँ पे आप इसको इतना इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, सिमिलर ऑलमोस्ट मिलेगा आपको इंडिगो स्काई जैसा। 5 hours का लॉन्जिविटी मिल जाएगा, 1 से 1.5 घंटे का आपको जो प्रोजेक्शन है वो मिल जाएगा। मॉडरेट प्रोजेक्शन है, 1 to 2 feet आपको मिलेगा। तो ओवरऑल दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करें तो इस प्राइस पॉइंट पे ऐसा बढ़िया क्वालिटी देने के लिए मैं दूंगा 10 out of 10 points। जो लॉन्जिविटी है उसके लिए दूंगा 7 out of 10 points। और दोस्तों जो वर्सिटैलिटी है उसके लिए भी मैं दूंगा 8 out of 10 points। और अगर आप पूछें कि मेरा सबसे फेवरेट कौन है तो मेरा रहेगा इंडिगो स्काइज। एरोमेटिक काफ़ी बढ़िया मुझे लगता है, जूसी एक परफ्यूम लगता है दोस्तों, और इवनिंग वेयर डेट नाइट के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो ये आप इवनिंग वेयर डेट नाइट के लिए पहन सकते हैं। इंडिगो वन सोल जो है वो समर के लिए बढ़िया है, और जो एम्बर ह्यूज है वो विंटर के लिए या फिर नाइट टाइम के लिए। और दोस्तों आगे है गिवे पार्ट में, मेरे जो वीडियो का लिंक है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है कमेंट पिकर में। और दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले विनर। पहला विनर कृष्णा वासर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट विनर जो है उसको ढूंढते हैं, पिक अनदर विनर। स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट विनर वाशिम मंडल वेस्ट बंगाल से है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर अगला विनर पिक करते हैं, लास्ट विनर। स्टार्ट करते हैं, यश चौधरी, ये भी वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल से भाई दो जन। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक बार मुलाकात होगा किसी नई वीडियो पे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।